हेलो सर, ये कुछ बैटरी पैक ऑर्डर पे थे कस्टमर के। आप देख पा रहे हैं ये बैटरी पैक रेडी हो चुके हैं। तो इस बैटरी पैक को कैसे बनाया जाता है आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो मेरे से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, मोटर किट या बैटरी, तो उसमें चैनल सब्सक्राइब करने वालों को 100 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। स्क्रीनशॉट आपको भेजना पड़ेगा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, तभी आपको जो है 100 रुपये किसी भी प्रोडक्ट में आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब, मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रो टेक्निकल MP में। तो दोस्तों ये सब्सक्राइब का बटन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसे ज़रूर दबाएं। जैसे ही आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, बगल में बेल आइकन का बटन देखेगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें और ये वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को और मजबूत करें। और ये जैसे ही आप मेरे चैनल जो नाम लिखा है उस पर क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल पर आप सीधा चले जाएंगे। आप जैसे ये मेरे चैनल के नाम पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे ये मेरा चैनल है, पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड पूरे वीडियोस आपको मिलेंगे। ये वीडियो के ऑप्शन में ऊपर जाएंगे तो ये वीडियोस मिलेंगे आपको। तो इसमें ई बाइक्स, होममेड बाइक्स प्लस इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट, साइकिल कन्वर्जन किट, बाइक कन्वर्जन किट, लिथियम बैटरीज मेकिंग प्रोसेस और लिथियम बैटरीज भी मेरे पास उपलब्ध रहती हैं। तो ये सब आपको वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। प्लस आप प्लेलिस्ट में जाएंगे जैसे ही, तो प्लेलिस्ट में आप देख पा रहे हैं होममेड इलेक्ट्रिक बाइक्स, ये प्लेलिस्ट है। इसमें मेरे ऑल होममेड प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, जितने भी मेरे होममेड प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑल आपको मेरे होममेड प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे इसमें, इस प्लेलिस्ट में। ऑल मेरे जो होममेड प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स, ई बाइक्स, ई साइकिल, बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियोस बनाए हैं। तो आप देख पा रहे हैं ई रिक्शास, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपको सब इसमें प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे इस प्लेलिस्ट में। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो टेक्निकल MP में। तो दोस्तों हम दिखाने वाले हैं बहुत सारे प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। तो दोस्तों लिथियम बैटरीज और इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जैसे 24 वोल्ट, 250 वोल्ट का PMDC मोटर हो गया GK कंपनी का प्लस इंपोर्टेड ब्रांड, और 36 वोल्ट, 250 वोल्ट का हब मोटर किट हो गया जैसे GK कंपनी का प्लस इंपोर्टेड ब्रांड में भी हब मोटर किट अवेलेबल है मेरे पास, और 48 वोल्ट में 750 वोल्ट का पैडल रिक्शा किट भी अवेलेबल है GK कंपनी का। और लिथियम बैटरीज मेरे पास लगभग ऑल बैटरीज मेरे पास अवेलेबल है, जैसे 24 वोल्ट और 36 वोल्ट और 48 वोल्ट में, और 60 वोल्ट, 70 वोल्ट, 72 वोल्ट में भी लिथियम बैटरी सभी अवेलेबल हैं। और इसमें अलग अलग एम्पियर में मेरे पास लिथियम बैटरीज मिल जाएंगी आपको अलग अलग एम्पियर में। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं लिथियम बैटरीज या मोटर कन्वर्जन किट, तो सभी प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है, तो मेरे पास मिल जाएंगे। और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वीडियो में आपको नीचे आपको दिख रहा है मेरा व्हाट्सअप नंबर, तो व्हाट्सअप पर आप मैसेज करके मेरे से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। क्या मेरे पास काम काफ़ी रहता है तो हर किसी कस्टमर को कॉल अटेंड करना इतना पॉसिबल नहीं रहता, तो आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके मेरे से पूरी प्रोडक्ट की आप डिटेल ले सकते हो। कॉलिंग के लिए नंबर नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज चैट पर ही आप डिटेल ले सकते हैं। बाकी मेरे आप पीछे देख पा रहे हैं ये GK कंपनी का सर्टिफिकेट है, जो ऑथराइज डीलर का सर्टिफिकेट मैं आपको स्क्रीन पर भी शो कर रहा हूँ, ये आप देख पा रहे हैं ये GK कंपनी का ऑथराइज डीलर का सर्टिफिकेट है, जो मेरे को काफ़ी समय 3 साल पहले कंपनी से मुझे मिला हुआ था 2019, आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है। तो दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप मेरे से। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये काफ़ी सारा स्टॉक जो है वो आ चुका है हमारे पास, ये आप देख पा रहे हैं ये सॉटी टर्बो ब्रांड का और GK कंपनी का किट और इंपोर्टेड ब्रांड में, तो ये काफ़ी सारा स्टॉक आ चुका है। तो ये आप देख पा रहे हैं GK कंपनी के इसमें चार्जर हैं 36 वोल्ट और 24 वोल्ट के इस खोखे में, और ऊपर ये आप देख पा रहे हैं सॉटी टर्बो ब्रांड का हब मोटर किट 36 वोल्ट, 250 वोल्ट का, तो ये भी काफ़ी स्टॉक आ चुका है। ये आप देख पा रहे हैं सॉटी टर्बो ब्रांड के, ये पूरी ये आप देख रहे हैं नीचे तक, तो ये काफ़ी सारा स्टॉक आ चुका है हमारे पास। और ये इंपोर्टेड ब्रांड 24 वॉट, 250 वॉट में PMDC मोटर किट, ये आप देख पा रहे हैं ग्रीन बॉक्स में, ग्रीन बोरा जिसमें लगा हुआ है, ये इंपोर्टेड ब्रांड किट है। ये 24 वॉट, 250 वॉट का PMDC मोटर किट है GK कंपनी का, और ये 36 वॉट, 250 वॉट का हब मोटर किट है GK कंपनी का। ये भी काफ़ी सारा स्टॉक आ चुका है मेरे पास, और इसमें आपको 48 वोल्ट, 750 वोल्ट में पैडल रिक्शा किट भी मेरे पास अभी आ चुकी है काफ़ी सारी, आप देख पा रहे हैं ये 48 वोल्ट, 750 वोल्ट में पैडल रिक्शा किट प्लस पेगाच का जो 48 वोल्ट, 550 वोल्ट पैडल रिक्शा किट होता है डिफरेंशियल पैडल रिक्शा किट, तो वो भी अवेलेबल है
बाकी आप देख पा रहे हैं ये टोटल स्टॉक हमारे पास आ चुका है, तो जिनको भी चाहिए आप जल्दी से आप मुझे ऑर्डर कर। सबसे पहले दोस्तों बैटरी पैक बनाने के पहले जो है सभी सेल का जो है वो आईआर चेक किया जाता है। आप देख पा रहे हैं ये हमारे आईआर टेस्टिंग मशीन है, तो अपन ने चेक करके रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये सेल पे 23 नंबर लिखा हुआ है, ये BAK कंपनी के सेल हैं 2550 mAh के। आप दिखवा रहे हैं ये अपन अपना IR टेस्टिंग मशीन में जैसे सेल लगाते हैं, जैसे ये 23 नंबर आपको दिख रहा है, तो इसी प्रकार से जो है सभी सेल जो हैं हम टेस्ट करने के बाद ही सेम IR के बैटरी पैक में हम सेल लगाते हैं। जैसे आप दिखवा रहे हैं 23 नंबर ये IR, तो इसी प्रकार से हम पूरे जो सेल होते हैं अलग अलग IR के चेक करके रखते हैं, ताकि जो है बैटरी पैक में प्रॉपर जो IR के जो सेल हों एक ही बैटरी पैक में सेम IR के सेल होने चाहिए। तो इस प्रकार से जो है बैटरी पैक बनाना कंपलसरी रहता है, सभी सेलों का IR टेस्ट होना और सभी सेम IR के सेल होने चाहिए, तभी जो है बैटरी लाइफ और बैटरी का माइलेज प्रॉपर मिलता है। कई मैन्युफैक्चरर जो हैं इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, उसी वजह से जो आपने हाल फिलहाल में बहुत सारी बैटरी पैक में आग वगैरह लगने की चांसेस आप देखी होगी, तो इसी वजह से जो ये प्रोसेस नहीं करते हैं, इन वजह से जो है आग लगती है बैटरियों में। तो उसको देख पा रहे हैं अपन ने IR टेस्ट करने के बाद बैटरी पैक में होल्डर पर सेल सेट कर दिए थे, और ये आप देख पा रहे हैं अपन ने स्पॉट वेल्डिंग कर दी है। ये आप देख पा रहे हैं ये दोनों बैटरी पैक बन रहे हैं, एक 36V 10 A और एक 36V 7.5 A हार्ड केस में। ये आप देख पा रहे हैं इस पे अपन ने 2550 mAh के सेल यूज़ किए हैं, BAK कंपनी के 3C रेटिंग के ये सेल हैं, BAK कंपनी के 2550 mAh का एक सेल है, 3.6.5 V का ये सेल रहता है। तो इस प्रकार से ये आप देख पा रहे हैं, जैसे ये 16 नंबर लिखा हुआ है, तो ये 16 नंबर IR के सेल अपन ने पूरे बैटरी पैक में सेट किए हैं। प्लस आप देख पा रहे हैं इसमें भी जो है BAK ही कंपनी के जो है 2550 mAh के सेल अपन ने यूज़ किए हैं, तो ये 3C रेटिंग के सेल होते हैं, जो प्रॉपर EV इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो सेल यूज़ होते हैं, तो वही हम जो है सेल बैटरी पैक में यूज़ करते हैं EV वाले ही। तो आप देख पा रहे हैं ये अपन ने स्पॉट वेल्डिंग करने के बाद BMS वगैरह लगा दिया है, और ये हमारी जो है साइड में आपको दिख रहा होगा ये बैलेंसिंग हो रही है, ये बैलेंसिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये बैलेंसिंग मशीन है, आप दिख पा रहे हैं बैलेंसिंग मशीन के द्वारा जो है बैटरी में बैलेंसिंग की जाती है, ताकि जो है सभी सीरीज़ का जो है वोल्टेज वो सेम होना चाहिए, तभी जो है इस बैटरी पैक का जो है माइलेज कस्टमर को बराबर मिलेगा और बैटरी की जो लाइफ है वो बराबर मिलेगी। और ये सब प्रोसेस के बाद बनाने के बाद जो है इसमें आग वगैरह लगने की चांसेस बिल्कुल कम हो जाती है, और कई मैन्युफैक्चरर होते हैं जो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इनके पास बल्क में ऑर्डर रहते हैं, मगर हमारे यहाँ पूरे प्रोसेस के थ्रू ही बैटरी पैक जो है रेडी होता है। आप देख पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं ये बैटरी पैक पूरा रेडी हो चुका है। तो ये 36V 10 A का सॉफ्ट पैक बैटरी पैक और 36V 7.5 A का हार्ड केस बैटरी पैक, तो ऐसे जो हैं बैटरी पैक हमारे यहाँ रेडी होते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं पूरी डिटेल्स जो है बैटरी में हम मेंशन कर देते हैं इसमें। जैसे आप बैटरी में वोल्टेज आप देख पा रहे हैं ये 36V अपना 10 A की जैसे बैटरी है, आप देख पा रहे हैं तो 36V 10 A की बैटरी है, इसमें पूरी डिटेल्स मेंशन की है कितना फुल वोल्टेज होता है, कितना कौन से सेल यूज़ हुए हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं 42V फुल वोल्टेज होता है, 18650 और 10S का BMS यूज़ हुआ है, BAK कंपनी के 2550 mAh के 3C रेटिंग के जो सेल यूज़ हुए हैं। ये हार्डकेस बैटरी आप देख पा रहे हैं, इसमें लॉक की लॉक रहता है, प्लस यहाँ पे आपको पुश करने पर बैटरी लेवल शो करता है कि बैटरी कितना चार्ज है। और इस साइड आप देख पा रहे हैं ये चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे लगता है, जिससे आप चार्जर के द्वारा इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो ये हैलोंग किस बैटरी है, तो इस प्रकार से जो है ये बैटरी चार्ज होती है। तो इस टाइप का जो बैटरी पैक भी मेरे पास ऑल वोल्टेज में मिल जाएगा, 24V 36V 48V में हार्ड केस में। ये आप देख पा रहे हैं ये XC60 मेल फीमेल कनेक्टर है, प्लस आप देख पा रहे हैं ये नीचे का जो है ये स्लाइडिंग जो है ये स्लाइड निकल जाता है, यही वाला हिस्सा जो है आपकी साइकिल में माउंट करना पड़ता है, उसके बाद जो है ऊपर वाला हिस्सा इसमें लॉक हो जाता है। तो इस प्रकार से जो ये हार्ड केस बैटरी रहती हैं, तो ये जो बाइसाइकिल में लगाने के आपको हार्ड केस में ये सब लॉक सिस्टम के द्वारा मिलती, मतलब साथ मिलती है, ताकि जो है इस बैटरी को आप निकाल के अपने फ्लैट या अपने घर में भी आप इसको ले जाके चार्ज कर सकते हैं।
और ये आप देख पा रहे हैं इसमें भी अपन ने XC60 मेल फीमेल कनेक्टर प्लस चार्जिंग सॉकेट लगा दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी लिथियम बैटरीज को आप अपने घर के कमरे में चार्ज न लगाएं, बालकनी या हॉल में आप लगा सकते हैं जहाँ पे कोई बच्चे वगैरह या आप सोते नहीं हो, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान